बोकारो के मुस्कान अस्पताल में एक महिला ने दो बेटी और एक बेटे को जन्म दिया है। महिला का ऑपरेशन कर तीनों बच्चों का जन्म हुआ। मां के साथ बच्चे भी सुरक्षित स्वस्थ हैं। महिला को 10 मार्च को भर्ती किया गया था। बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम थी, इसलिए बच्चों को भर्ती कराया गया था। फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है और इनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। माँ का ऑपरेशन और बच्चों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हुआ। इससे पहले इस प्रकार का ऑपरेशन नहीं किया गया था और न ही इस प्रकार का आयुष्मान योजना के तहत इलाज हुआ था। मामला चैलेंजिंग था। डॉक्टर ने बताया कि दंपति आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे। आयुष्मान के कारण उनका इलाज संभव हुआ। को पता था अल्ट्रासाउंड में कि तीन बच्चे हैं, तो और भी जगह लोग गए थे, लेकिन हमारे यहाँ रेगुलर पहले नहीं दिखाते थे। फिर हमारे यहाँ अप्रोच किए हम लोग के यहाँ, तो हम लोगों ने इसको स्वीकार किया कि नहीं, इसको हम लोग अपने यहाँ कराएंगे। तो ये लोग भी हम लोग को विश्वास जता कि हमारे यहाँ डॉक्टर उषा सिंह मैडम से हम लोग उनको लाइनअप कराए और मैडम उनका सर्जरी करके दो दो मिनट के अंतराल पर तीनों को हम लोग पूरा तैयारी किए हुए थे और हम लोग सीसा रूम में NICU में ले गए और वहाँ तीनों का इलाज चालू हुआ डॉक्टर मुंशी और डॉक्टर रविंदर के गाइडलाइन में। और फिर दो तीन दिन बाद हम लोग इनका कोशिश किए, इनको हेल्प किए और आयुष्मान वालों से भी बात किए और ये तीनों बच्चा का इलाज आयुष्मान के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा हम लोग किए। इन लोग का भी सहयोग मिला, हम लोग को भी और आयुष्मान वालों का भी सहयोग मिला, उनके भी अधिकारी हम लोगों को मदद किए। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि आयुष्मान के तहत जो भी इलाज हुआ यहाँ पे तीनों बच्चों का, यदि आयुष्मान का कार्ड नहीं होता तो शायद ये लोग बच्चे आगे नहीं होते। बोकारो के मुस्कान अस्पताल में एक महिला ने दो बेटी और एक बेटे को जन्म दिया है। महिला का ऑपरेशन कर तीनों बच्चों का जन्म हुआ। मां के साथ बच्चे भी सुरक्षित स्वस्थ हैं। महिला को 10 मार्च को भर्ती किया गया था। बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम थी, इसलिए बच्चों को भर्ती कराया गया था। फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है और इनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। माँ का ऑपरेशन और बच्चों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हुआ। इससे पहले इस प्रकार का ऑपरेशन नहीं किया गया था और न ही इस प्रकार का आयुष्मान योजना के तहत इलाज हुआ था। मामला चैलेंजिंग था। डॉक्टर ने बताया कि दंपति आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे। आयुष्मान के कारण उनका इलाज संभव हुआ। को पता था अल्ट्रासाउंड में कि तीन बच्चे हैं, तो और भी जगह लोग गए थे, लेकिन हमारे यहाँ रेगुलर पहले नहीं दिखाते थे। फिर हमारे यहाँ अप्रोच किए हम लोग के यहाँ, तो हम लोगों ने इसको स्वीकार किया कि नहीं, इसको हम लोग अपने यहाँ कराएंगे। तो ये लोग भी हम लोग को विश्वास जता कि हमारे यहाँ डॉक्टर उषा सिंह मैडम से हम लोग उनको लाइनअप कराए और मैडम उनका सर्जरी करके दो दो मिनट के अंतराल पर तीनों को हम लोग पूरा तैयारी किए हुए थे और हम लोग सिसा रूम में NICU में ले गए और वहाँ तीनों का इलाज चालू हुआ डॉक्टर मुंशी और डॉक्टर रविंदर के गाइडलाइन में। और फिर दो तीन दिन बाद हम लोग इनका कोशिश किए, इनको हेल्प किए और आयुष्मान वालों से भी बात किए और ये तीनों बच्चा का इलाज आयुष्मान के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा हम लोग किए। इन लोग का भी सहयोग मिला, हम लोग को भी और आयुष्मान वालों का भी सहयोग मिला, उनके भी अधिकारी हम लोगों को मदद किए। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि आयुष्मान के तहत जो भी इलाज हुआ यहाँ पे तीनों बच्चों का, यदि आयुष्मान का कार्ड नहीं होता तो शायद ये लोग बच्चे आगे नहीं होते।